सागर में पुराने बस स्टैंड की जगह न्यू आरटीओ के पास और भोपाल रोड पर स्थित नई बस स्टैंड से ही बसों के संचालन को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा 10 मई को जारी किए गए आदेश पर जबलपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हीरो एचएफ डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माय आरटीओ बीमा सहित 4,000 रूपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रूपए में आज ही अब हीरो एचएफ डेलक्स खरीदें। हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीके पालीवाल की एकल पीठ ने प्रकरण में अनावेदकों को नोटिस भी जारी किए हैं। अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है। अधिवक्ता ब्रजेश दुबे ने बताया कि बसों का संचालन केवल नोटिफाइड बस स्टैंड से ही किया जा सकता है। इस संबंध में आदेश करने का अधिकार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को है, न कि कलेक्टर को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस संबंध में निर्णय दिए गए हैं कि नोटिफिकेशन के बिना बस स्टैंड का निर्धारण नहीं हो सकता। ये सबसे पहले मैं यात्रियों से क्षमा मांगते हुए अपनी बात रखूंगा। एक हफ्ता जो हम लोगों को मजबूरी में स्ट्राइक करने पड़ी और उनको जो असुविधा हुई उसके यात्रियों को मैं क्षमा मांगते हुए अपनी बात रखूंगा। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है वह एक आम जनता की जीत है, यात्रियों की जीत है। हम लोग तो ऐसे बस प्रशासन से बंधा है, वो जहाँ कहेंगे चले जाएंगे, मगर यात्रियों को जो अतिरिक्त किराया लग रहा था वह इस बस स्टैंड के संचालन होने से सबसे पहले उनकी जेब जो कट रही थी वो सेफ हुई। इसी बिंदुओं पे मतलब स्टे हुआ है कि जो मतलब आदरणीय श्री ब्रजेश दुबे जी हाई कोर्ट के जो हमारे वकील हैं उनने अपनी बात रखी। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर रहे थे कि ये न्याय संगत निर्णय नहीं हुआ है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो छोटे छोटे रूट के यात्री हैं, गरीब यात्री हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए हम तो इसको भी तैयार हो गए थे, इसको सब स्टैंड बना दें आप। छोटे रूट की जो गाड़ियां हैं वो आपने प्रशासन से मांग भी की थी, छोटे रूट की गाड़ियां हैं कम से कम उनको यहां से कर दें, तो ज़िले के जो यात्री हैं उनको 50 रुपये जाने का किराया लगता है, गंतव्य स्थान पर ऑटो में उनको 100-150 लग रहा है, मेडिकल कॉलेज पास है, तिली अस्पताल पास है, वो साले बेचारे वहाँ से पहुँच जाते, कचहरी के यहाँ घाटी के ऊपर उतरते थे, कचहरी पे अपना नया रखना चले जाते थे। अब सरकार अगर इस पे अपील पे जाएगी आपके है क्या इसके लिए, इसके लिए आपकी क्या तैयारी? यानी इसके लिए पिछले 4 दिन पहले दो बस ऑपरेटरों ने अपील फाइल की थी, ये बस एसोसिएशन की तरफ से अपील नहीं थी। हम लोग तो शांति तरीके से प्रशासन से लड़ रहे थे, पूर्व 4 दिन पहले पिटीशन फाइल हुई थी, आज वो नंबर पे आ गई। एडवोकेट ब्रजेश दुबे थे, वो मेन उसमें एक मुद्दा क्या था कि बस स्टैंड स्थापित करके नए बस स्टैंड स्थापित करने के लिए नियम है कि जो आरटीओ होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उसको अधिकार है सिर्फ जिला प्रशासन को नहीं। आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है, उसको ये अधिकार होता है कि कोई भी बस स्टैंड विस्थापित करना है तो वो राजपत्र में प्रकाशन करेगा, पहले राजपत्र में आएगा है, 30 दिन का आपत्ति का समय देता है वो, और उसके बाद रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को के सुन के वो आदेश पारित करता है कि इस दिनांक से ये बस स्टैंड स्थापित यहाँ से विस्थापित करके वहाँ से संचालित किया जाएगा, तो वो सारे नियमों का कोई पालन नहीं किया गया। तुगलकी फरमान था का ये कलेक्टर का आदेश था, जबकि कलेक्टर को नहीं है आदेश, ये जो पावर है ना ये आरटीओ को पावर है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को पावर है, अपने यहाँ नहीं पूरे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे भाई, वो तो जनता की लड़ाई है, वो न्यायपालिका ने न्याय दिया है। नहीं नहीं है क्या, हम लोगों को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी, नियमों की जानकारी नहीं थी इस नहीं कि इसका पालन किया गया कि नहीं किया गया, कोई नियमों की जानकारी नहीं थी, शासन ने नियमों का पालन किया है कि नहीं किया है। दो बस ऑपरेटर गए तो वहाँ पे अब तो कानून के जो ज्ञाता हैं उनने वो मेन पक्ष वो रखा, उन बिंदुओं पर जीत हुई। हाँ, कि प्रशासन की तानाशाही है, वो जिनको अधिकार नहीं थे वो जो नियम का पालन करना था वो पालन नहीं किया गया, उसको सुनते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्टे दिया और उसके लिए हम न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं। इस सारे प्रकरण में ये लड़ाई अकेली आप सोचें स्टैंड की बस ऑपरेटरों की यहाँ के दुकानदारों की लड़ाई नहीं थी, ये सारे शहर से कनेक्टिविटी की लड़ाई थी। सारा शहर स्टैंड से जुड़ा है, हर प्रकार से जुड़ा है, जो
आदमी यह कुछ ये सोचते हैं कि स्टैंड से सिर्फ बस को में सवारियों को ले जाना और ले आना के लिए हम लोगों का कर्तव्य ये नहीं है। आपको पहले भी बताया कि कई हमारी नागपुर बस जा रही, कई आदमियों की दवाइयाँ ख़त्म हो गई, नागपुर इलाज कंटिन्यू करा रहे हैं कि भैया हमारी दवाई ख़त्म हो गई, अब दवाई हमने वहाँ से व्हाट्सअप मंगाया, व्हाट्सअप कर दिया, यहाँ दवा आ गई। हजारों बच्चे अपने देहात के शहर के इंदौर में पढ़ रहे हैं, तो मतलब माँ बाप ये सोचते हैं कि बस वालों से हमसे संबंध है, अच्छे हैं, कंटिन्यू उनके बच्चे भाई बसों में जा रहे हैं, तो एक हम भी उनके गार्जियंस हो गए। उनका कुछ सामान यहाँ से जाना, त्यौहार है, होली है, रक्षाबंधन है, यहाँ से उनकी राखियाँ, उनको मिठाई सब वहाँ भेज रहे हैं, उनने कुछ सामान रख दिया, उनके घर भिजवा दिया। ऑपरेटरों को हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमको तो अचानक 11 तारीख को पिछले माह मिला था कि 13 से आपको संचालन करना है, यह आदेश पास हुआ। उसके बाद हम लोग सब जनप्रतिनिधियों के पास गए, सामंजस्य बना के ठीक है आपको सिविल लाइन खोल ले रहे हैं, चूँकि बहेरिया से आप वहाँ बहेरिया निकाल रहे थे तो वो परमिट की शर्तों का भी उल्लंघन था। कोई भी घटना हो जाती तो हमारे परमिट में वो दूरी वो क्षेत्र थे ही नहीं। कोर्ट जाता कोई भी आदमी हमारे खिलाफ, हमें बीमा कंपनी जो हम बीमा कराते हैं लाखों रुपए का बीमा हमारे ऊपर आता और हम दिवालिया घोषित हो जाते। तो एक कोई बस ऑपरेटरों के साथ कोई ऐसा बैठ के उनने कोई चर्चा नहीं की अपन क्या करें। बहरहाल स्थगन से साफ हो गया है कि बसों का संचालन पहले की तरह पुराने बस स्टैंड से होगा। हालांकि आदेश के परिपालन में कितने दिन का समय लग सकता है यह कोर्ट के आदेश की कॉपी आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रुपए में। आज ही अब हीरो HF डेलक्स खरीदें।